चलोगे ना मेरे साथ मार्केट राखी का शॉपिंग करने के लिए? क्यों क्यों तुमको अपनी मम्मी के साथ कहीं जाने में अच्छा नहीं लगता है? क्यों इतना एटीट्यूड क्यों है आप में? नहीं जाना है, तो रोज रोज तुम यही बोलते हो। हम अभी सोएंगे। हमने क्या क्या सोता है दिन में? हाँ नहीं नहीं हम बोल रहे हैं कि ये गिफ्ट देगा तो ये खरीदेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ देखिए अभी सोने के लिए क्या कर रहा है नौटंकी। प्लीज चलो ना आज तुम्हारे साथ, हमको डोमिनोज जाना, हमको डोमिनोज जाना। प्लीज प्लीज जाइए, तुमको चलना है मेरे साथ। लड़ाई होने के बाद जा तो रहा है लेकिन इतना एटीट्यूड इस लड़के में है ना कि बता नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा इसको पता नहीं क्यों घर में रहने में इतना अच्छा लगता है। अभी सो जाएगा और उठेगा सीधे 6 बजे, अब फिर रात में जगा रहेगा 3 बजे तक। बस यही है, अभी देखिए जैसे लग रहा है कि इसको नहीं तो सांप सूंघ जाना जिसको कहते हैं, बस वही हो गया है। मेरे साथ जाने में ही इसको किचकिच है। बोल दीजिए दोस्त लोग के साथ कहीं जाना है, चले जाते हैं मम्मी। कभी खुशी मन से मेरे साथ जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा। देख लीजिए कुछ बोलोगे क्यों? मुंह में बैंग ठूसा हुआ है क्या? काए इतना काए अट रहा है, थोड़ा दिखाओ ना इतना सुंदर मुंह। फाइनली हम लोग तीनों निकले हैं शॉपिंग करने, इतने दिनों के बाद सबको साथ। शुभम शांतिलिया के पापा जी भी हैं, जिसको जाना है, जिसको गिफ्ट देना है वो देखिए एकदम। आज तक कभी भी हम रक्षाबंधन का शॉपिंग में नहीं गए थे लेकिन आज मम्मी को क्या हुआ, मम्मी हमको लेके चले। हमको समझे नहीं आता, हम बाजार जाके क्या करेंगे, हमको क्या पता, हमको क्या आता है, हमको क्या आता है शॉपिंग करने के लिए, हमको ऑनलाइन शॉपिंग करने आता, ऑनलाइन शॉपिंग करवाओ हमसे। हम लोग आए हुए हैं अभी, इतने दिन से गाड़ी मेरा बंद था, 15-20 दिन पर मेरा गाड़ी घर आया। खूबसूरत मॉल आए हुए हैं। मम्मी क्या पसंद की? कुछ भी पसंद नहीं आया, सिर्फ ऐसे वीडियो बनाकर चले आए। चलिए तो लीजिए अपना कैमरा संभालिए, आप ब्लॉग बना रहे हैं, टाइम बर्बाद हुआ। इतना लड़ाई करके घर से आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस वही लड़ाई जो हुआ ना उसी का नतीजा है। देखिए अपना शॉपिंग करना है तो कैसे एकदम खुश हो रहा है, अभी एकदम दौड़ दौड़ के जाएगा, और जब मेरा समय आएगा तो बोलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। ले लो साइज आएगा मेरा हुदहुद लगा दिया, मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट सॉन्ग में से एक है। थैंक यू हुदहुद। कुछ बोलना चाहेंगे ब्लॉग को? हाय बोल दीजिए। अच्छा ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा पैलास पर्वत मगन हो गया। सोचते होंगे ये ब्रेक ले रहे हैं, हम थक गए, बस दो ही जगह जाते जाते थक गए, बस ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो मगन हो गया सर कैलाश पर्वत मगन हो गया। ब्राउन मुन्ने लेके अब हम लोग चले
बाहर बहुत भीड़ था। वृंदावन से हम लोग आ रहे हैं, छोटा दुकान है ना, इसलिए वीडियो वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। ठीक, तैयारी हो रहा है, भगवान जी को भोग लगेगा, तेहरी उसका प्रिपरेशन चल रहा है, और ये तस्मे बन चुका है, और हमेशा की तरह नई मम्मी, और यहाँ पे मिठाई रखाया हुआ है, और यहाँ पे उतना तो सजाया नहीं गया है, लेकिन कि यहाँ 5 दिन भगवान जी को भोग लगता है, कृष्ण जी को, राधा कृष्ण झूला पर झूलते हैं और भोग लगता है, झूलन होता है, एकादशी दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा को वो समाप्त होता है, तो झूलन ये मान्यता है, और हर दिन शीतल भोग लगाया जाता है, वही है, और भगवान जी को भोग लगेगा, अभी वही बन रहा है। थोड़ा देर टोटो का सवारी भी हो रहा है, क्योंकि एक जगह जाना है हमको, जो कि गाड़ी वहाँ नहीं जा पाएगा, इसलिए टोटो पर बैठ के हम जा रहे हैं, फिर हमको वापस माथाबन जाना है, माथाबन जाके फिर वहाँ पे भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर अपने घर आएंगे। तो कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है, तो उसमें फिर व्यस्त रहना है, तो इसलिए सारा कुछ काम आज ही कर लेते हैं, फिर कल आराम से राखी इंजॉय करें। आज शनिवार है, बजरंगबली के मंदिर में भीड़ है, देखिए पूरा भीड़ है, आरती हो रहा है बजरंगबली के मंदिर में, राखी के चलते पूरा चहल पहल बहुत अच्छा पूरा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद इतना चहल पहल है। करियो 30 टका, एक आदमी आलू 30 टका दूँ, काय खुला रखते देरी पैसा छे बड़का होशियार नहीं नहीं ए ए तो दी अपना पैसा, तो अपना पैसा दी हमें ले ले छे 30 टका मांगे छे, 100 टका दिलो छे, 70 टका हमरा दे भी तो 70 टका हमरा दे 70 टका कटका घुरे लो अला 10 टका आर ले ले वे कल कौन है हमार बेबा ये 10 टका आर दे दिलिया ठीक छे जा उरा आशीर्वाद दो बोलो कि हां आशीर्वाद और कुछ होवे के दादाजी के हां बहुत बड़ा ठीक मैडम नमस्ते क्या खा रहे हो चाट खा रहे हैं चाट तस्मे भाई जी चाट तस्मे मिष्ठान जो देवघर का प्रसिद्ध भोजन है अच्छा अपने व्यूअर्स को बताओ अभी तो माथाबन में तेरी तस्मे दिखा दिए है ना झूलन का भोग लग रहा है ना वो तो दिखा चुके हैं बहुत सुंदर पर्स है आपका मेरा पर्स हाँ ये इसके बारे में बोल रहा है पता नहीं ये टोंट कस रहा है क्या क्या कर रहा है बहुत सुंदर है थैंक यू आखा अच्छा लगला बिट्ठा ठीक है हेलो व्यूअर्स एंजॉय योरसेल्फ ये मेरी बहन लोग के लिए क्या क्या है वो पूरा डब्बा भर के आया था भाई लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए जिसे हम लोग को भी गिफ्ट मिले तो जो ये पहना हुआ है ये इसका गिफ्ट ही है ये मेरे साथ मार्केट जाना नहीं चाह रहा था इसको उसी एवज में दिए थे गिफ्ट कि मेरे साथ मार्केट जा सके बस यही लिया है ये जिम कर तो हर साल हमको गिफ्ट मिलेगा रक्षाबंधन से पहले पैक कीजिए आप पैक कीजिए